हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा. वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसी एजुकेशन हब बांसू. लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2. देखिए, इससे पहले बेटा हम चैप्टर नंबर 1 के सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं. आप उनके क्वेश्चन आंसर्स जो भी दिए हुए हैं या उससे रिलेटेड आपको इधर उधर नेट पे जो भी मिले आप सोल्यूशन करके देखिएगा. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं. ओके, चलिए चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. और चैप्टर नंबर 2 है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ओके, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है, देखिए चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि टैक्सोनॉमी के अंदर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं नोमेनक्लेचर एंड देन वी शुड क्लासिफाई देम. ओके, कौन से प्लांट कौन से एनिमल को किस किंगडम किस फाइलम किस ऑर्डर क्लास फैमिली जीनस और स्पीसीज में रखना है, वो सब आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर. अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग कोशिशें की है इसमें कि किस तरह से हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं. उसी के बारे में थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं उसकी हिस्ट्री से और हम डिस्कस करेंगे आज के फिर मेन कौन सी क्लासिफिकेशन के बारे में हम एट प्रेजेंट डिस्कस कर रहे हैं. ओके, चलिए तो सबसे पहले देखिए एरिस्टोटल थे जिन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया था और उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट. यानी इन्होंने दो तरह से प्लांट्स को डिवाइड किया था, एक प्लांटिया एंड एक एनिमलिया. ओके, वैसे कुछ बुक्स में यह भी माना जाता है कि इन्होंने टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्होंने डिवाइड किया था, लेकिन जनरली इन्होंने प्लांटिया और एनिमलिया. ठीक है, दो किंगडम में क्लासिफाई किया था, किंगडम प्लांटिया एंड किंगडम एनिमलिया. इसके अलावा इन्होंने एनिमलिया को इस बेसिस पे भी डिवाइड किया था कि दे हैविंग रेड ब्लड और दे डू नॉट हैविंग. इज दैट क्लियर? दे हैविंग रेड ब्लड और दे डू नॉट हैविंग. तो सबसे फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन माना जाता है वो एरिस्टोटल का माना जाता है. लेकिन क्योंकि यहाँ पे आप प्रॉपरली क्लासिफाई नहीं कर सकते, इज दैट क्लियर? यानी प्लांटिया और एनिमलिया में ये तो ठीक है, सारे प्लांट्स को इन्होंने प्लांटिया में रख दिया, सारे एनिमल्स को इन्होंने एनिमल्स में रख दिया, लेकिन ऐसे बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको ये समझ ही नहीं पाए कि प्लांटिया में रखना है या एनिमलिया में. तो ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज नॉट सो सक्सेसफुल. ओके, तो चलिए सेकंड की बात करते हैं. उसके बाद जो क्लासिफिकेशन दिया था दैट इज नोन एज टू किंगडम क्लासिफिकेशन एंड दैट वाज गिवन बाय द सेम टू किंगडम. यानी टू में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसको था? कैरोलस लीनियस. ओके, सो टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय द कैरोलस लीनियस. ठीक है, ओके, इन्होंने भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, प्लांटिया एंड एनिमल. ओके, इसके बाद बात आती है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की, दैट वाज गिवन बाय द हीकल. हीकल ने एक और ग्रुप ऐड कर दिया था, प्लांटिया तो था ही, यानी प्लांट सारा तो था ही, एक एनिमलिया और थर्ड इन्होंने दिया था प्रोटिस्टा. ठीक है, इसके बाद फोर किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय द कॉपलैंड. कॉपलैंड ने कौन कौन से दिए थे? प्लांटिया, एनिमलिया, प्रोटिस्टा एंड वन मोर ग्रुप इज देयर दैट इज नोन एज मोनेरा. ओके, आपको समझ में आ रहा है ना? यानी स्टार्टिंग में सबसे पहले एरिस्टोटल ने डिवाइड किया था टू किंगडम में, किंगडम प्लांटिया, किंगडम एनिमलिया. इसके बाद टू किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय द कैरोलस लीनियस, उन्होंने भी प्लांटिया एनिमलिया में क्लासिफाइड किया. फिर थ्री किंगडम गिवन बाय द हीकल. ओके, इन्होंने ये ग्रुप ऐड कर दिया प्लांटिया एनिमलिया के साथ, दैट इज नोन एज प्रोटिस्टा. ओके, कॉपलैंड ने एक और ग्रुप ऐड कर दिया, दैट इज नोन एज मोनेरा. फिर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय द आर एच व्हिटेकर. और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन यही रहा है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. इज दैट क्लियर? आर एच व्हिटेकर, आज तक जो हम डिस्कस करते हैं वो आर एच व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन के बारे में ही हम डिस्कस करते हैं और हमारे चैप्टर नंबर 2 में भी हम इसी की डिटेल्स को डिस्कस करेंगे. ओके, सो इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन. Most successful classification was given by the R.H. Whittaker. Okay. Next, the sixth kingdom classification is also there. Okay. Sixth kingdom classification में कोई specific person नहीं है, but sixth kingdom classification में था क्या? देखिए, sixth kingdom classification में था Plantia, Animalia, Protista, Monera. Okay. Fungi. But इसने क्या किया? Monera को two classes में divide कर दिया. That is known as Eubacteria and Arachnibacteria. Is that clear? Eubacteria and Arachnibacteria. So on the basis of that,
जनरल फीचर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटा, करने जो भी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसके जनरल फीचर्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर जैसे हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम स्टार्ट कर देंगे मोनेरा से। ओके, तो कुछ जनरल फीचर्स हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ये आपकी टेबल एनसीईआरटी में गिवन है तो आप वहां से भी इसको प्रॉपरली रीड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है मोनेरा, फिर है प्रोटिस्टा, ठीक है, फिर है फंजाई, फिर है प्लांटी और फिर है एनिमल। ओके बेटा, अब कुछ क्या फीचर्स थे देखिए। सबसे पहले इन्होंने एक फीचर लिया था, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप। सेल टाइप का मतलब है इन्होंने मेनली बताया कि कितने ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप, ये जो फाइव किंगडम इन्होंने लीज की कैसे सेल टाइप है। तो इन्होंने दो तरह के सेल टाइप बताई, वन इज प्रोकैरियोटिक एंड अनदर इज यूकैरियोटिक। ठीक है, देखिए इसके बारे में तो नाइन्थ क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं। दे डू नॉट हैविंग द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेन लास एंड दे डू नॉट हैविंग द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, वेयर इज यूकैरियोट्स में क्या होता है, उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेन लास होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड होती है, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इज दैट क्लियर? तो उसी बेसिस पे इन्होंने सबसे पहले जो फीचर लिया था दैट इज सेल टाइप। ओके, और सेल टाइप के बेसिस पे इन्होंने डिवाइड किया कि मोनेरा को कौन सी कैटेगरी में रखा, दे आर प्रोकैरियोट्स। ओके, जबकि जो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमल है वो कैसे थे, यूकैरियोट्स। इज दैट क्लियर? ये प्रोकैरियोट्स का मतलब है इनके अंदर ना तो वेल ऑर्गेनाइज्ड क्या थे, सेल ऑर्गेनाइज थे, और ना ही वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, प्रोकैरियोटिक। ओके, ये सारे क्या थे, यूकैरियोटिक। ओके, तो सेल टाइप के बेसिस पे मोनेरा क्या थे, प्रोकैरियोट्स थे, और बाकी क्या थे, यूकैरियोट्स थे। सेकेंड पॉइंट आता है सेल वॉल। तो देखे नॉट, इसमें क्या था, जो सेल वॉल थी वो प्रेजेंट थी। ओके, सेल वॉल प्रेजेंट थी इसमें, नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड। ओके, उसके बाद बात आती है प्रेजेंट इन सम, ठीक है, प्रोटिस्टा के कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल प्रेजेंट थी। ओके, प्रोटिस्टा के कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या थी, सेल वॉल प्रेजेंट थी। उसके बाद फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट है, प्लांटिया में सेल वॉल प्रेजेंट है, और एनिमलिया में एब्सेंट है। आपको पता है ना सेल वॉल क्या होती है, फॉर एग्जांपल दिस वन इज द सेल। ओके, सबसे पहले तो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और एक्स्ट्रा एडिशनल कवरिंग होती है, ठीक है, और ये एडिशनल कवरिंग जो होती है दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल। इज दैट क्लियर? तो ये एनिमलिया में तो एब्सेंट होती है, इट इज एब्सेंट इन एनिमलिया, बाकी सब में ये प्रेजेंट होती है। ओके, बाकी सब में क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात आती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अभी मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बेसिस पे, तो जो प्रोकैरियोट्स में तो क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, और जो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो प्रोकैरियोट्स कौन है, मोनेरा, तो उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है, और बाकी सब में प्रेजेंट। नेक्स्ट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखिए हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लेटर ऑन, जब हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि स्टार्टिंग में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें सिर्फ सेल्स होती है, ठीक है, सेल। तो यहाँ पे कौन सा है, सेल्यूलर, सेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या था और कैसा होता है, सेल्यूलर। मोनेरा में कैसा है, सेल्यूलर, यानी इसमें सेल्स ही होती है, टिश्यू लेवल नहीं होता है, इसमें भी क्या होती है, सेल्स होती है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्योंकि अगर हम बात करें फंजाई में तो यहाँ पे लूज टिश्यूज आ जाते हैं, ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स आता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद टिश्यू स्टार्ट हो जाता है, बट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यू कैसे है, लूजली अरेंज, ठीक है, लूज टिश्यू आते हैं यहाँ पे। उसके बाद बात आती है प्लांटिया में, तो प्लांटिया में क्या होते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाता है और ऑर्गन्स की फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो टिश्यू और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें आ जाता है। और उसके बाद बात आती है एनिमलिया की, तो एनिमलिया में हमें पता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी यहाँ पे टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन स्टार्ट हो, ठीक है, यानी एक तरह से देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे हम मूव ऑन कर रहे हैं, मोनेरा से स्टार्ट करके हम एनिमलिया में बढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी, कुछ ना कुछ नए फीचर्स उनमें ऐड हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? यानी इट इज ए टाइप ऑफ
न्यूट्रिशन, कुछ ना कुछ नए पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं। और लास्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो मोनेटा में स्पेसिफिक क्या होते हैं, सारे बैक्टीरिया होते हैं जिसमें यू बैक्टीरिया और एरेकी बैक्टीरिया। तो सारे बैक्टीरिया होते हैं वो कीमोसिंथेटिक होते हैं, ओके, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं, सैप्रोट्रॉप भी होते हैं, ठीक है बेटा। यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड इंटेक करते हैं, ओके। प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, प्रोटिस्टा जो है वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक को आप क्या करेंगे, ऑटोट्रॉप्स है, ठीक है, कैसे है, ऑटोट्रॉप्स है, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके बाद बात आती है फंजाई। तो फंजाई आपको पता है फंजाई एक ऐसा ग्रुप है, ऐसी किंगडम है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, यानी ये नॉन क्लोरोफिलस होते हैं या अनक्लोरोफिलस होते हैं। जब इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है देन दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो अपना फूड नहीं बना सकते तो वो कौन से मोड पर रहते हैं, सैप्रोट्रॉफिक या पैरासिटिक, ठीक है, या तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, या फिर जो भी डेड एंड डिकिंग मैटर है उनको अपना फूड बनाते हैं। इसके बाद बात आती है प्लांटिया। तो आपको बहुत वेल नोन है प्लांटिया से जितने भी प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और लास्ट है एनिमल। या तो आपको पता है हेटरोट्रॉप्स होते हैं और वो भी कैसे होते हैं, होलोजोइक, स्पेशली होलोजोइक होते हैं, अंडरस्टैंड। होलोजोइक क्या होता है, ये अपना फूड पूरा इनटेक करते हैं, यानी जो भी है चपाती वगैरह उसको आप इनहेल करते हैं, उसके बाद उसका डाइजेशन अंदर होता है, अंडरस्टैंड। बाकी इसमें जो आपके इंसेक्ट्स वगैरह भी आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो तो अपना जो फूड है उसको बाहर ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, एग्जैक्टली बेटा। तो ये कुछ जनरल फीचर्स है जिनको आपको रिमाइंड करना है। सेल टाइप के बेसिस पे दो उसने लेते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सेल वॉल के बेसिस पे यानी एक्स्ट्रा जो एडिशनल कवरिंग है वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है क्योंकि प्रोकैरियोट में एब्सेंट होगी और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर से स्टार्ट होकर और ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल तक पहुंच रहा है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्टार्टिंग में जो बैक्टीरिया होते हैं वो कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, सेप्रोट्रॉप भी होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं। उसके बाद आपका प्रोटिस्टा है वो फोटोसिंथेटिक होते हैं और फंजाई है, फंजाई को स्पेशली आप याद रखेंगे क्योंकि ये फीचर है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सेप्रोट्रॉप्स और कैसे होता है, पैरासिटिक होते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेटिक और एनिमल ह्यूमन बींग्स हेटरोट्रॉप्स हैं। तो ये था जनरल फीचर्स। अब डिटेल जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम स्टडी करेंगे मोनेरा की डिटेल स्टडी, ओके बेटा। तो आई होप एवरीथिंग शुड बी क्लियर टू यू, हैव ए गुड डे।